हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसी और डीसी एनालिसिस देखेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। तो लास्ट क्लास में मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था, जो पार्ट वन था, और ये उसी के आगे ही है पार्ट टू। ठीक है, तो ये सर्किट हमने देखा था, एज इट इज वही सर्किट है यहाँ पे, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अच्छा, सिंगल स्टेज क्यों बोल रहे थे? सिंगल स्टेज इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमने सिंगल ट्रांजिस्टर का यहां पे यूज किया है। ओके, इसलिए इसे हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कह रहे हैं। तो यहां पे आज हम इसका एसी और डीसी एनालिसिस करेंगे। एसी और डीसी एनालिसिस का मतलब यह है कि यहां पे हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज डीसी के केस में और एसी के केस में दोनों देखेंगे, है ना। और फिर डीसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे और एसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे। इतने काम हमें करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां डीसी लोड लाइन के बारे में देखते हैं। डीसी लोड लाइन, तो डीसी लोड लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डीसी पे वर्क करना है। कहां पे वर्क करना है? सिर्फ और सिर्फ डीसी पे वर्क करना है। तो अगर डीसी पे वर्क करना है तो जितने भी आपका एसी सोर्स है उसको जीरो कर दो। आप एसी सोर्स को आप क्या कर दो, यहां पे एसी सोर्स को जीरो कर दो, और कैपेसिटर अगर कहीं पे लगे हैं तो उनको ओपन सर्किट कर दो। ठीक है, एसी सोर्स आपका जीरो हो जाएगा, और कैपेसिटर अगर कहीं पे लगा है तो उसे आपको क्या कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है। तो अगर इसको आप ओपन सर्किट कर दोगे या इसको जीरो कर दोगे तो यहां से तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, फिर ये ओपन हुआ तो ये भी हट गया यहां से। ओके, और एक कैपेसिटर और लगा है जो कि आउटपुट साइड में है, तो उसको भी हम ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, ये भी हट गया। ओके, अब सर्किट में क्या बचा? अब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डीसी पार्ट बचा है। अच्छा, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको उसे दोबारा देखना है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करिए, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। ओके, तो यहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ डीसी की बात करूं मैं, तो ये करंट आईसी हो जाएगा, यहां पे आईसी टू और ये सब, ये टोटल वगैरह ये सब हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक करंट रहेगा, ये आईई रहेगा, ये आईबी रहेगा। ओके, ये आईई दो बार हो गया यहां पे। ठीक है, बस इतना सर्किट रहेगा यहां पे। अब यहां पे ये VCE फाइंड करना है। ओके, तो आउटर लूप में अगर आप KVL अप्लाई करोगे, आउटर लूप में अगर आप KVL अप्लाई करोगे तो अप्लाई KVL एट कलेक्टर टू एमीटर टर्मिनल, एट कलेक्टर टू एमीटर टर्मिनल। तो कलेक्टर से एमीटर तक में आप यहां पे केवीएल लगा दो। तो केवीएल अगर लगाओगे आप तो वीसीसी, अच्छा ये वोल्टेज डिवाइडर में मैं बता चुका हूं बट जस्ट एक रिवीजन टाइप से फिर से बता दे रहा हूं। तो वीसीसी और माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस आईई आरई। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा यहां पे जो आपका आईई है उसको हम ऑलमोस्ट इक्वल मान लेंगे आईसी के, तो ये कितना हो जाएगा, वीसीसी माइनस
आईसीआरसी माइनस वीसीई माइनस आईसी और आर ई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर यहां पे वीसीई अगर आप निकाल लोगे तो वो आ जाएगा वीसीसी माइनस आईसी कॉमन आरसी प्लस आर ई, ठीक है, ये जीरो तो हट जाएगा। ओके, तो ये इतना आ गया आपका। तो डीसी के केस में आपका ये वीसीई आ गया, क्या आ गया आपका वीसीई। अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम वीसीई कितना होगा, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी अगर मान लीजिए ऐसे लिखी है ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो ए मैक्सिमम कब होगा, जब वाई जीरो हो जाएगा भाई। अब ए इज इक्वल टू एक्स है लेकिन आप उसमें वाई घटाते जा रहे हो, वाई कम करते जा रहे हो, कुछ अमाउंट कम करते जा रहे हो, तो अगर आप उसको एक भी कम नहीं करोगे तो ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो वही केस है यहां पे भी, यहां पे आईसी अगर आप जीरो कर दोगे, इफ आईसी इज इक्वल टू जीरो, तो वीसीई जो होगा आपका मैक्सिमम होगा इज इक्वल टू वीसीसी, ठीक है। और यहां पे अगर कलेक्टर करंट निकाला जाए, कलेक्टर करंट निकाला जाए तो वो कितना आ जाएगा आपका, आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर गया ये इधर आया, तो वीसीसी माइनस वीसीई डिवाइड बाय आरसी प्लस आरई। ओके, तो अगर मैं बोलूं मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना होगा, तो सिमिलरली यहां पे ये नेगेटिव पोर्शन उसका आप जीरो कर दो, तो एट VCE इज इक्वल टू जीरो IC max इज इक्वल टू हो जाएगा VCC डिवाइड बाय RC प्लस RE, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट हो गया, तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना हुआ आपका, VCC सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय ये दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस एक्चुअली डीसी लोड कहलाते हैं, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ये आपका वीसी मैक्स हो गया, ये आईसी मैक्स हो गया, तो जो लोड लाइन बनेगी आपकी यहां पे, ये जो लोड लाइन आएगी आपकी, ये आईसी हो गया, यहां पे वीसीई हो गया, ठीक है। तो ये लोड लाइन जो आपकी आएगी यहां पे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका आईसी मैक्स, तो आईसी मैक्स इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा वीसीसी डिवाइड बाय आरसी प्लस आरई, और ये वीसीई मैक्स होगा, तो वीसीई मैक्स कितना है, वीसीसी है, वीसीसी है। तो ये आपकी डीसी लोड लाइन हो गई, है ना। अच्छा, और जिसमें डीसी लोड की बात कर रहा था, तो डीसी लोड देख लेते हैं क्या होता है। तो डीसी लोड क्या है, यहां पे डीसी लोड फॉर द ट्रांजिस्टर इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन बाय कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल। तो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए डीसी लोड क्या होता है, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट जो कि कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल से देखा जाता है। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस में मैंने बताया था कि आप इसको सॉल्व करने के लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट से इसे रिप्लेस करना होगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस करने पे क्या होगा, ये R1 और R2 इधर पे आ जाते हैं, फिर उसे हम जब सॉल्व करते हैं तो VTH और RTH निकल के आता है वहां पे, है ना। आप उस वीडियो को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बायस वाला। और यहां पे जो VCC होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट में, वो शॉर्ट हो जाता है। ओके, अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो उस केस में, VCC जो है आपका वो शॉर्ट हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको कनेक्ट कर देंगे इस फॉर्म में, तो ये R1 R2 तो शॉर्ट हो गए, ठीक है। अब जो करंट होगा तो वो ये वाला पाथ नहीं चूज करेगा, वो करंट ये वाला पाथ चूज करेगा, ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करेगा। तो यहां से जो शॉर्ट सर्किट लोड जो दिख रहा है, जो डीसी लोड दिख रहा है, तो डीसी लोड क्या दिख रहा है,
आरसी प्लस आरई, ये आपका डीसी लोड है, ठीक है। तो वो डीसी लोड लाइन हो गई और ये डीसी लोड है, ठीक है। तो इसीलिए लोड लाइन पे जो आपका करंट आ रहा था मैक्सिमम करंट, तो वीसीसी डिवाइड बाय दिस लोड, ये लोड आपका दिख रहा है बाहर तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसी एनालिसिस, ये हो गई आपकी डीसी एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है एसी एनालिसिस। तो एसी एनालिसिस करने के लिए हमें जो डीसी सोर्स है सर्किट में, तो उसको सबको जीरो कर देना है, और जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है उसे क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो अगर आप डीसी सोर्स को आप जीरो कर दोगे, ठीक है, ऊपर पे जो भी आपने सप्लाई दी थी उसको जीरो कर दोगे तो वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आर वन आपका नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ओके। और एमीटर के पास में, एमीटर के पास में यहाँ पे ये ऐसे एमीटर कनेक्ट था और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट था, तो अगर इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे कैपेसिटर को, तो ये रेजिस्टर भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स करंट ये वाला पाथ चूज करेगा, लो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करेगा, तो इसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट कर दिए, ठीक है। और यहां पे एक कैपेसिटर और कनेक्ट था, ये आरसी ऊपर था लेकिन हमने वीसीसी जीरो किया तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, और यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये आरएल डायरेक्ट कनेक्ट हो गया यहां पे, ठीक है। तो अगर एसी लोड की बात करें, जैसे डीसी लोड हमने देखा अभी, तो वो क्या था, आरसी प्लस आरई था, डीसी लोड जो था आरसी प्लस आरई था, दोनों कनेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है, सीरीज में थे। अब अगर एसी की तरफ देखें, मींस एसी लोड में अगर देखें हम, तो लोड में हमें क्या दिख रहा है, वहां पे आरसी जो है तो वो पैरेलल है आरएल के, ठीक है। तो आरसी पैरेलल विद आरएल है, तो आर एसी जो होगा तो वो आरसी आरएल डिवाइड बाय आरसी प्लस आरएल आ गया, ओके। तो अब यहां पे भी हमें वीसीई और आईसी दो चीजें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एसी लोड लाइन का मतलब क्या है, एसी लोड लाइन मतलब कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, मींस ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में एक ऐसी लाइन जो आईसी और वीसीई की वैल्यू दे, ठीक है। तो और जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करें तब वो आपका क्या कहलाएगी, एसी लोड लाइन कहलाएगी, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ऐसे कहा जाएगा कि लाइन ऑन द एसी लोड लाइन इज द लाइन ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक विच गिव्स वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसीई व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड, ठीक है। मींस एसी लोड लाइन वो होती है जो हमें आईसी और वीसीई की वैल्यू दे या उसका मान दे, ठीक है, जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करें, ओके। तो ये हुई आपकी एसी लोड लाइन, तो यहां पे ये आर एसी निकल गया। अच्छा, मैक्सिमम कलेक्टर करंट अगर देखा जाए तो वो आईसी होएगा, मैक्सिमम कलेक्टर करंट यहां पे एसी सिग्नल की वजह से जो करंट है कलेक्टर में वो आईसी है, स्मॉल आईसी है, ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव स्विंग देखें हम, पॉजिटिव स्विंग मतलब कि आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, मीन्स जैसे अभी तो मान लीजिए वीसीई है ना, क्वेश्चन पॉइंट पे हम रुके हुए हैं, अब जो स्विंग हो रहा है मीन्स पॉजिटिव जो स्विंग हो रहा है, तो वो स्विंग किसकी वजह से हो रहा है, इस आईसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये एसी कलेक्टर करंट है, ये स्विंग ला रहा है डीसी करंट में, ओके। तो स्विंग आ रहा है जो हो रहा है वो आईसी इंटू आर एसी हो रहा है, ओके। तो अगर टोटल मैक्सिमम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की बात करें, टोटल मैक्सिमम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की बात करें, तो क्वेश्चन पॉइंट प्लस स्विंग, ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट पे जो वैल्यू होगी, जो वोल्टेज होगा प्लस स्विंग, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये देगा आपका कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है। तो अच्छा, इसी को हम वीसीई ऑफ भी बोलते हैं, वीसीई ऑफ। ऑफ मतलब कि ऐसे है कि जैसे ये ट्रांजिस्टर का मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है ना, यहाँ पे ये ऐसे करके ये बनाते हैं, सब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये कहलाता है एक्टिव, यहां वाला एरिया कहलाता है आपका सैचुरेशन, और यहां वाला एरिया कहलाता है कट ऑफ, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे हम VCE निकालेंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं VCE ऑफ, यहां पे IC निकालते हैं इसलिए इसको बोलते हैं IC सेट, ठीक है। इसको मैक्सिमम भी बोल देते हैं, ये भी मैक्सिमम ही है, ठीक है, कि कब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जा रहा है, और इसका मतलब है कि कब ट्रांजिस्टर में करंट सैचुरेट हो जा रहा है, इसलिए इसको मैक्सिमम करंट बोल दिया, इसको मैक्सिमम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बोल दिया। तो अगर मैक्सिमम वीसीई देखें तो वो वीसीई क्यू प्लस आईसीआरसी आ गया। अब मैक्सिमम पॉजिटिव स्विंग ऑफ एसी कलेक्टर करंट, अगर हम जैसे एसी करंट ये है, तो एसी करंट कब आएगा? एसी करंट तब आएगा जब ये वोल्टेज को वीसीई को आप इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो जो करंट एसी सिग्नल अप्लाई करने पे आ रहा है वो क्या आएगा? वीसीई डिवाइड बाय आरएसी, ठीक है। अगर इसको भी मैक्सिमम देखा जाए, टोटल मींस करंट अगर देखा जाए, तो क्वेश्चन पॉइंट पे करंट प्लस जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है अपना वो क्वेश्चन पॉइंट है। अब जो स्विंग आ रहा है तो वो या तो इधर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है, ओके। स्विंग तो मींस जो सॉरी जो क्वेश्चन पॉइंट है वो तो फिक्स है बीच में, अब जो आईसी है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है एक्चुअली, मींस कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में जा रहा है, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल में जा रहा है, ओके। तो यहां पे एसी लोड लाइन भी देख लेते हैं, तो एसी लोड लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये VCE ऑफ हो गया, ये IC सेट हो गया, ये IC, ठीक है। अगर VCE ऑफ देखा जाए तो वो क्या है? VCE Q प्लस IC इंटू RAC, VCE Q प्लस IC इंटू RAC, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो वो कितना है? IC Q प्लस VCE डिवाइड बाय RAC, ठीक है, मींस क्वेश्चन पॉइंट पे जो करंट प्लस स्विंग, तो स्विंग ये हो रहा है यहां पे। सिमिलरली अगर वोल्टेज की बात करें तो क्वेश्चन पॉइंट पे वोल्टेज प्लस IC इनटू RAC, मींस क्वेश्चन पॉइंट इसका, अगर आप बेस करंट के लिए इसको ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पॉइंट आ जाएगा VCE Q, सिमिलरली ये IC Q, ओके। अब एक बात और निकल के आती है यहां पे, जो आपका DC लोड है, DC लोड मतलब कि मैं बात कर रहा हूं RC प्लस RE, ठीक है, ये आपका बड़ा है AC लोड से, मीन्स RC पैरेलल विथ RL, ठीक है, ये वैल्यू आपकी बड़ी है, ये वैल्यू आपकी छोटी है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपकी DC लोड की वैल्यू बड़ी है आपकी, ठीक है, और ये वैल्यू छोटी है, RAC छोटी है, तो ओवरऑल ये वैल्यू घट जाएगी, ठीक है, ओवरऑल ये वैल्यू घट जाएगी, तो जो VCE है, VCE है DC के केस में, वो बड़ा हो जाएगा VCE AC के केस से, ठीक है, VCE DC के केस में जो आएगा तो वो AC के केस में, AC के केस से मतलब ज्यादा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर करंट की बात करें, अब देखिए, अब यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, अगर कम वैल्यू डिवाइड होगी तो ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी, तो यहां पे जो IC है अब वो AC के केस में ज्यादा होगा इन कंपेयर टू IC इन द केस ऑफ DC, ठीक है, तो ये नोट करने वाले पॉइंट है। तो यहां पे
अब देखिए मैं इसी में बना देता हूं, ये एसी लोड लाइन हो गई, इसी में मैं डीसी लोड लाइन भी बना देता हूं। तो डीसी लोड लाइन के लिए जो आपका आईसी है डीसी के केस में कम है, तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ये डीसी के लिए हो जाएगा और ये यहां पे वीसी ही जाता है, ठीक है। तो ये वीसीई डीसी के केस में हो गया और ये आईसी भी आपका डीसी के केस में हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो आपका क्वेश्चन पॉइंट है वो कॉमन है, क्वेश्चन पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो कॉमन है, ओके। तो ये आईसी डीसी के केस में हुआ ये, अच्छा यहां पे देखिए ये डीसी के केस में वीसीई ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा लिखा हुआ है, और आईसी डीसी के केस में एसी के केस से कम है, ठीक है, मीन्स नीचे है। तो ये आपका एसी और डीसी एनालिसिस हुआ, ठीक है। लोड लाइन हमने देख लिया और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज देख लिया और कलेक्टर करंट देख लिया एसी और डीसी दोनों के केस में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।